जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो बेसिकली दोस्तों बड़ी जबरदस्त वैकेंसी आउट हुई है डीडीए में। आपने डीडीए का नाम जरूर सुना होगा, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी। जी आपने सही सुना, अगर आप 12वीं पास हैं या ग्रेजुएटेड हैं तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा हो सकते हैं। और वैकेंसी भी काफी अच्छी आउट हुई है, यानी कि टोटल वैकेंसी की बात करें तो 378 यानी कि 378 टोटल पोस्ट आउट हुई हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों समझेंगे आपको अप्लाई कैसे करना, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, जितनी बातें डिटेल में देंगे सारे अपनी वीडियो में कवर करेंगे। अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो बेसिकली दोस्तों BECIL के द्वारा रिक्रूटमेंट नोटिस आउट हुआ है, लेकिन उसमें मेंशन करा गया है कि जो आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी वो DDA में रहेगी। यहां तक आपको काफी अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा। दो टाइप के अलग अलग पोस्ट आउट हुई हैं, ऑफिस असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर। मेरे कमेंट सेक्शन में काफी ज्यादा बच्चों के मैसेज आ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि सर ये जो BECIL की वैकेंसी है इसके बारे में बताइए। तो आज की वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए डेडिकेटेड है और जो आपके लिए भी है, अगर आप फ्रेशर्स हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले पोस्ट की बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट की। ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट आउट हुई है इसमें 200 पोस्ट टोटल आउट हुई है। 200 पोस्ट, ध्यान से समझना, इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है किसी फील्ड से की हुई है तो आप एलिजिबल रहेंगे। उसके साथ साथ आपकी 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, ये कुछ चीजें मेंशन करेंगे। एडवर्टाइजमेंट एक बार जरूर रीड आउट कर लेना। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, 178 टोटल पोस्ट है, 12th पास मांगा गया है, 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। यहां तक आपको काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों सैलरी के बारे में, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस चीज को ध्यान से समझना। एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट लिखा गया है तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता चल पा रहा होगा, तो इस चीज को समझना। ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट है अनुसार, इसके अनुसार आपको इसमें अलाउंस मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों इसमें आपका अप्रोक्स सैलरी बन सकती है। अप्रोक्स सैलरी के बारे में बता रहा हूं ऑफिस असिस्टेंट की दोस्तों, इसमें बनेगी 20,976 रुपए अप्रोक्स बन सकती है, और डेटा एंट्री ऑपरेटर में 19,271 बन सकती है दोस्तों। अब बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, पहले रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा, फिर कंप्यूटर टेस्ट होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। इसके साथ डेटा एंट्री ऑपरेटर में आपका टाइपिंग टेस्ट मेंशन करा गया है, एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ चीजें मेंशन की गई हैं। बात करते हैं कितने रुपए देने होंगे अप्लाई करने के लिए, और सिलेक्शन प्रोसेस के बाद आपका जो अप्लाई करने का प्रोसेस है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जनरल और ओबीसी वालों को देने होंगे 750 रुपए, एससी एसटी वालों को देने होंगे 450 रुपए। BECIL की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। लास्ट डेट की बात कर दो 25 अप्रैल 2022 से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। तो वीडियो कैसे लगा आपको जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।